आज से राज्य की उपराजधानी नागपुर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, जिसके चलते विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लक्ष्यवेधी मुद्दों को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जय विदर्भ पार्टी द्वारा विधान भवन परिसर में मोर्चा निकाला गया। इस समय जय विदर्भ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण केदार ने अपनी मांगे रखी। अधिवेशन यहाँ पे तय किया गया था, लेकिन 6 हफ्ते की बजाय ये 6 दिन पे लाठी इन्होंने छोड़ा है। इतना विरक्त पे अन्याय दिन ब दिन होते आ रहा है। अभी विदर्भ की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जय विदर्भ पार्टी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति इसको लेकर सड़क पे उतरी हुई है, और जब तक विदर्भ मिलता नहीं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। साथियों, यहाँ पे बिजली बड़े पैमाने भी होती है, 23-24 प्रकार के खरी संपदा है, फिर भी यहाँ का बेरोजगार दर दर भटक रहा है। इस वक्त अरुण केदार ने बताया कि राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन विदर्भ के नागपुर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में निजी भर्तियां की जा रही है, जिसका निकष क्या है? युवाओं के भविष्य और यात्रियों की जान से खेलने वाले परिवहन अधिकारियों पर आखिर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती? ऐसे कई सवालों के साथ जय विदर्भ पार्टी ने जोरदार नारेबाजी के साथ शिकायतों के संज्ञान लेने की मांग इस वक्त रखी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।